हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और जितनी भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ डेली, उन चीजों को आप रेगुलर बेसिस पे अपने स्कैल्प पे भी यूज कर रहे होंगे या फिर फॉलो कर रहे होंगे। जैसे स्लीक कॉम्बिंग हो गया, लाइस कॉम्बिंग, नीट पिकिंग, हेयर वॉश, तो ठीक इसी तरह से आप कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो हमारी हेयर से रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेहरे के ऊपर, क्योंकि काफी लोगों की कमेंट आती है कि आप अपने फेस पे क्या अप्लाई करते हो, आप अपने फेस पे ऐसा क्या ट्राई करते हो कि आपका जो कलर है वो इतना फेयर है और आपकी स्किन इतनी शाइन करती है। तो वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। विंटर टाइम चल रहा है, तो विंटर टाइम पे हमारी स्किन ऑटोमेटिकली ड्राई होने लगती है। जो अच्छा खान पान नहीं लेते हैं, अच्छा अपना टाइम पे ध्यान नहीं रखते हैं और चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं, तो हमारे चिन के पास, हमारे लिप्स के पास, हमारे जो चीक्स होते हैं वो ड्राई होने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत लोगों की स्किन तो कुछ फ्लैकी हो जाती है कि व्हाइट व्हाइट रहने लगता है दोनों साइड में, तो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। इसीलिए उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है कि कहीं जाना है, तो बहुत अजीब फील करते हैं कि ये ड्राइनेस कैसे जाएगी, हमारी स्किन कैसे ग्लो करेगी, हमारी स्किन कैसे ग्लास स्किन दिखेगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा आपको काम करना है। तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं कि क्या काम आपको करना है। एक एप्लीकेशन आपको रेडी करनी है, इतनी इजी एप्लीकेशन है, आप बोलेंगे कि बस यही करना था। जी हाँ, सिर्फ इतना सा ही आपको करना था। तो सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को रेडी करते हैं। इस एप्लीकेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 टीस्पून लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यहाँ पे आप लेंगे गरम, और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है हनी। हनी लेना है आपको 1 टीस्पून का, 1/4 भाग इसमें ऐड करना है। और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल। इन तीनों चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। ये एकदम से मिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ये हमारा जो एप्लीकेशन है पूरी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, बस यही आप लोगों को करना था। और अब इस एप्लीकेशन को हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। जिनकी स्किन ड्राई रहती है, हद से ज्यादा रूखी, बेजान, और सबसे बड़ी बात जिनकी स्किन में मतलब शाइन नहीं रहती, ग्लो नहीं करती, तो उनके लिए ये रामबाण हो जाएगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को अपने फेस पे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अगर आपके पास फेस वॉश है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज रॉ मिल्क है, रॉ मिल्क से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, या फिर रोज वाटर से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। अगर मेकअप आप लोगों ने लगाया हुआ है तो प्लीज मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करें, उसके बाद रोज वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना फेस पहले से ही क्लीन किया हुआ था। तो अभी हमारी जो एप्लीकेशन है पूरी तरीके से हमारा टेक्सचर रेडी है और अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल नहीं करूंगी, और देखिए मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ है, तो इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई करूंगी, क्योंकि मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था। तो इसे आपको स्पून की हेल्प से ही अपने फेस पे अप्लाई करना है। अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से आप लोग अप्लाई करेंगे, और ध्यान रखें कि आपके कपड़े खराब ना हो, क्योंकि इसमें ऑयल भी है, तो टपके ना आपके कपड़ों पर, इसीलिए थोड़ा सावधानी से आप इसे अपने फेस पे करेंगे। अच्छे से स्पून की हेल्प से पूरे फेस पे इसे लगा लेंगे। जिनकी स्किन ग्लास स्किन नहीं है, जिनकी स्किन ग्लो नहीं करती है, इस एप्लीकेशन को करने के बाद उनकी स्किन ग्लो भी करेगी, और सबसे बड़ी बात उनकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी। आंखों पे भी आपको सावधानी से इसे लगा लेना है, और कोई भी चीज हमने ऐसी यूज नहीं की है यहाँ पे कि केमिकल हो या फिर हमारे चेहरे पे कुछ परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जिनकी नॉर्मल स्किन है वो भी इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, जितना भी ऑयल मैंने लिया था और जितना भी एलोवेरा और हनी मैंने इसमें मिक्स किया है, अच्छे से अपने पूरे फेस पे मैंने लगा लिया है।
अब आपको स्पून की हेल्प से ही धीरे धीरे अपने फेस की सर्कुलर मोशन में 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करनी है। पहले आप सर्कुलर मोशन में करेंगे मसाज अच्छे से। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्किन है उसमें ये जो हमारे एप्लीकेशन है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और दूसरी बात हमारी स्किन को हीट मिलेगी, हमारी स्किन में एक गर्माहट मिलेगी, हमारे स्किन की स्कैल्प की सॉरी स्कैल्प की नहीं हमारे फेस की अच्छे से मसाज हो जाएगी, तो हमें अच्छे बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। सबसे पहले 1 से 2 मिनट तक आपको सर्कुलर मोशन में ऐसे ही मसाज करनी है। आपकी स्किन पे कितनी भी ड्राइनेस क्यों ना हो, इस एप्लीकेशन से 100% आपकी जो स्किन है वो चमक उठेगी। और अगर आप इसे चाहें तो डेली भी फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो हफ्ते में 2 से 3 बार भी यूज कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग। अगर ड्राइनेस ज्यादा है तो आप इसे डेली यूज कर सकते हैं, अगर ड्राइनेस कम है तो तीसरे दिन भी यूज कर सकते हैं या फिर 4 दिन में भी एक बार लगा सकते हैं। इस एप्लीकेशन को करने के बाद आपको फेस वॉश की नीड नहीं पड़ेगी, आपको फेस वॉश नहीं करना है। कोशिश करें कि इस एप्लीकेशन को आप इवनिंग में करेंगे, क्योंकि इवनिंग में करने के बाद आपको अपने चेहरे को वॉश नहीं करना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फिर डे में ही करेंगे, क्योंकि वो मजबूरी वाला काम हो जाएगा। जब आप बराबर अपने चेहरे पे इसकी मसाज करते रहेंगे तो ये एक क्रीमी टाइप बन जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ही आंखें बंद करके आप अपनी आंखों की भी मसाज करेंगे, अपनी फोरहेड, अपने नोज, मतलब इसी तरीके से आपको मसाज करनी है। चार से पांच मिनट मसाज करने के बाद पहले सर्कुलर मोशन में, उसके बाद इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर की तरफ अपने फेस को मसाज देनी है। दोनों साइड इसी तरह से 1 से 2 मिनट तक मसाज करेंगे। मसाज करते करते ये बिल्कुल क्रीमी टाइप बन चुका है, तो आप इसे एक बार ट्राई करके देखना। इसी तरीके से आपको मसाज करनी है नीचे से ऊपर की तरफ। अच्छे से मसाज करने के बाद देखिए, या तो आपको इसे आराम आराम से पूरे फेस से अपनी स्पून से निकाल लेना है। देखिए किस तरह का क्रीमी पेस्ट ये बन चुका है। और अगर आप स्पून की हेल्प से नहीं निकालना चाहते तो फिर आपको कोई खराब कपड़ा लेना है और आराम से उससे पोंछ लेना है। आपको अपने चेहरे को वॉश नहीं करना है। अगर आप रात में इस एप्लीकेशन को करेंगे तो आप इसे पूरी रात के लिए अपने फेस पर छोड़ेंगे, और अगर दिन में कर रहे हैं तो वो एक मजबूरी वाली बात हो जाएगी, तो फिर आपको अपने फेस को वॉश भी करना पड़ेगा। तो आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डे में कर रहे हैं। वैसे कोशिश करें कि आप इसे नाइट में ही करें। और देखिए एप्लीकेशन को करने के बाद फेस पे कितना ग्लो, मतलब एक ही बार में कितना अच्छा मेरा फेस हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन को आप भी कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को सॉफ्ट भी करता है, हमारी स्किन में शाइन भी लाता है, और हमारी स्किन को जो कलर होता है उसे भी फेयर बनाता है। तो एक ही एप्लीकेशन से आपके काफी सारे काम हो जाएंगे, आपकी स्किन शाइन करने लग जाएगी। आपको चीक्स दिख रहे होंगे, कितने शाइनी चीक्स हो गए हैं एक ही बार एप्लीकेशन के करने से। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हफ्ते में करना है या फिर डेली करना है या 2 से 3 दिन में एक बार करना है। अगर रात में कर रहे हैं तो पूरी रात के लिए अपने फेस को ऐसे ही छोड़ दें, और डे में कर रहे हैं तो 1 से 2 घंटा रखने के बाद आप गुनगुने पानी से अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं, और उसके बाद अपने चेहरे को ऐसे ही फ्री छोड़ दें।
ठीक है, फिर इस वीडियो को तो रखेंगे इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये ग्लास स्किन का जो जादू है ये आपको अच्छा लगे।